नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड की बात करेंगे। टाटा स्टील लिमिटेड टाटा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है, मेटल सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है और इंटरनेशनली इसका कारोबार होता है। मल्टीनेशनल कंपनी है, स्टील मेकिंग कंपनी है और काफ़ी खबरें हैं कंपनी में, मर्जर की खबर है और चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। जो अपडेट आया है उसकी बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस में एक तेज़ी देखने को मिली थी, 120 रुपये तक गया था, उसके बाद गिरकर अब 107.70 रुपये में कारोबार कर रहा है और नीचे की तरफ भी आ गया था स्टॉक। ये स्टॉक आ गया था आपका 100 के आसपास आ गया था, बढ़कर ऊपर की तरफ 107 में कारोबार कर रहा है। तो सबसे पहले जो अपडेट है नतीजों के बारे में उसकी बात करते हैं और उसके बाद मार्केट के बुक वैल्यू पर शेयर और पॉइंट्स की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो अपडेट है कंपनी का, टाटा स्टील लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 2 मई 2023 टू कंसिडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 2023, फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड अदर बिजनेसेस। तो 2 मई 2023 को बोर्ड मीटिंग होगी टाटा स्टील की और चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे, साथ में डिविडेंड आ सकता है, साथ में डिविडेंड आ सकता है। तो ये डिविडेंड कितना रहना चाहिए उसकी बात करेंगे अभी। तो 2 मई 2023 इम्पोर्टेंट डे रहेगा अगर आपके पास टाटा स्टील का स्टॉक प्राइस है। तो ये अपडेट है और चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे टाटा स्टील के। टाटा स्टील का जो मार्केट कैप है 1,31,621 करोड़ का है, स्टॉक प्राइस है इस वक्त 107.65 रुपये में और बुक वैल्यू पर शेयर है 95 का, फेस वैल्यू 1 रुपये का और इसका डिविडेंड यील्ड है 4.74 का। तो एक अच्छा खासा डिविडेंड आ सकता है और पिछली बार तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया गया था, तो अब की बार भी बढ़िया डिविडेंड आ सकता है। तो देखना पड़ेगा कि कंपनी के द्वारा 2 मई 2023 को जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें कितना रुपए का डिविडेंड आता है। तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है आगे और इसका जो EPS है, अर्निंग पर शेयर है 13.75 का। तो इसका जो बुक वैल्यू है 95 का है और स्टॉक प्राइस 107 में है। तो पोटेंशियल है, बट ये कि मेटल सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव और जब ग्रोथ की बात आने लग जाएगी तब फिर मेटल सेक्टर एक तरह से तेज होता है। पिछले 3 साल का रिटर्न, प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें, 3 साल का रिटर्न 275% का, 275% का रिटर्न है निवेशकों को और 1 साल का रिटर्न माइनस में 18% और 3 महीने का भी माइनस में 12% का। तो 3 साल का रिटर्न 275% का रिटर्न है, 275% का रिटर्न है 3 साल का निवेशकों को, साथ में डिविडेंड भी दिया गया है। तो अब की बार भी डिविडेंड आ सकता है। 2 मई 2023 इंपॉर्टेंट डे रहेगा, डिविडेंड और नतीजे अच्छे होंगे, रिजल्ट अच्छा होगा तो स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये अपडेट है और अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ये कारोबार कर रहा है। स्टॉक प्राइस फंडामेंटली देखते हैं तो काफ़ी पोटेंशियल है, बट ये कि जब से स्पिल्ड हुआ है स्टॉक तो एक रेंज है, नीचे की तरफ 80 रुपये, ऊपर की तरफ 120। दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड का ये स्टॉक प्राइस है 107.65 रुपये में 18% की गिरावट देखने को मिली है पिछले 1 साल के अंदर, 20 अप्रैल 2023 तक, और 133 का हाई है इसका, 133.65 रुपये का, 52 वीक लो है 82 का। स्पीड के बाद ये इसके बीच घूम रहा है। देखिए, एक तेज़ी आई थी लोअर लेवल से इसमें और ऊपर की तरफ 122.45 रुपये इसका हर्डल होगा। 122.45 रुपये के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा तब इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, 130-140 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, समय लग सकता है। देखिए, डिविडेंड मिलने वाला है टाटा स्टील के द्वारा और नतीजे अच्छे होंगे तो 122-123 को अगर ब्रेक करता है 130 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है और समय देने पर मीन्स आगे मार्केट अगर ठीक ठाक समय देने पर ये स्टॉक हमें 130-140 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। और मर्जर की भी खबर है और टाटा ग्रुप की और कंपनियां टाटा स्टील में मर्ज होंगी। तो टाटा स्टील लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 107 रुपये में है 20 अप्रैल 2023 को और इसके नतीजे आने वाले हैं चौथी तिमाही के, फोर्थ क्वार्टर के, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो निवेशकों को डिविडेंड के द्वारा भी कमाई होगी जिनके पास टाटा स्टील का स्टॉक है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।
वंदे मातरम।